दोस्तों आज के इस वीडियो में डिफेंस करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको अपडेटेड वर्जन में आपके सामने लेकर आया हूँ। ये वीडियो सितंबर तक बिल्कुल अपडेट है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफेंस वाले सारे क्वेश्चन करेंगे, साथ ही साथ में साइंस एंड टेक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जिसमें DRDO या फिर साइंस या फिर इसरो ये सारी चीज़ों का डिस्कशन होता है उनको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर एक एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। अगर आप इसका नोट्स फ्री में लेना चाहते हैं तो इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं जिसका नाम है टारगेट स्टडी IQ। ये सर्च करें टारगेट स्टडी IQ टेलीग्राम पर और चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको बहुत सारे नोट्स फ्री में दिए जाते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न बनेगा कि बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए पोर्ट ब्लेयर को किस शहर से ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया है। आपको पता होगा पोर्ट ब्लेयर जो है ये भारत के जो लैंड एरिया है उससे बाहर थोड़ा सा दूरी पर स्थित है और वहाँ तक अभी इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी, जिसके चलते हाल ही में इसको भारत के चेन्नई शहर से जोड़ दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यू कैन सी दिस बाई ए मैप, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हो कि भारत का जो लैंड एरिया है वो यहाँ तक आपको सीमित दिखेगा और इस तरफ आपको ये जो एरिया यहाँ पर छोटा सा एक आइलैंड दिख रहा है ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और भारत के चेन्नई शहर को ऑप्टिकल फाइबर केबल से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ये कनेक्शन जो प्रदान किया जा रहा है ये निकोबार द्वीप समूह से ज्वाइन किया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए इसका उद्घाटन किसने किया है तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया था। अब इसके माध्यम से पोर्ट ब्लेयर में 200x200 यानी कि 400 Gbps की स्पीड मिल पाएगी। साथ ही साथ में जो अंडमान निकोबार द्वीप के आपस में जो द्वीप हैं उनमें लगभग 200 Gbps की स्पीड मिल पाएगी। यहाँ पर आप इसका मैप भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं, इसमें आप देख सकते हैं इसका इनॉग्रेशन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था और 10 अगस्त को इसका उद्घाटन कर दिया गया था। अब यहाँ पर समझते हैं किस तरीके से इस ऑप्टिकल फाइबर को बिछाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत को अंडमान निकोबार द्वीप से जोड़ने के लिए ये बीच में आपको समुद्र होता है तो इसी के अंदर में ऑप्टिकल फाइबर केबल को डाला जाता है। जैसा कि आप इनको देख सकते हैं ये है ऑप्टिकल फाइबर केबल जिसको इसके अंदर पानी के अंदर डाला जाता है तब जाकर इंटरनेट की अच्छी कनेक्टिविटी प्राप्त होती है। इसके बाद में आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मैप, ऊपर है अंडमान आइलैंड, नीचे है निकोबार आइलैंड। और जब आप इसका मंथली PDF नोट्स डाउनलोड परचेज़ करेंगे तो आपको ये सारा डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया हुआ PDF आपको मिलेगा जिसमें कि बहुत ही कम समय में आप सारे क्वेश्चंस को रिवाइज़ कर पाओगे। अगला क्वेश्चन बनेगा किस मंत्रालय ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 पहल की शुरुआत करी है। तो आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस पहल की शुरुआत करी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 पहल की शुरुआत करी गई है जिसको हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसको स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको शुरू किया है। इसमें देखो लिखा है विद्यार्थी विज्ञान मंथन। अब इसमें देखो नाम से ही पता चल रहा है विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है और ये पूरे भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट साइंस टैलेंट सर्च करने का एक प्रोग्राम है जिसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 11th तक के बच्चों में साइंस के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया है और देश के अंदर ऐसे बच्चों को टारगेट किया जाएगा जिनका साइंस के प्रति रुझान कुछ ज़्यादा है। आगे चलते हैं, रक्षा मंत्रालय ने सार्वजनिक शिकायतों में भविष्यवाणी का विश्लेषण करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित मशीन लर्निंग तकनीकी विकसित करने के लिए किस IIT के साथ में और DARPG के साथ में एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो आंसर हो जाएगा IIT कानपुर के साथ में इस समझौते को किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो सार्वजनिक शिकायतें होती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जो शिकायत दर्ज कराई जाती है उसकी पहले से ही भविष्यवाणी कर ली जाए, ऐसा एक आर्टिफिशियल बेस्ड एक सिस्टम बनेगा जिसको IIT कानपुर
और DARPG के साथ मिलकर बनाया जाएगा। अब ये DARPG क्या है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसको समझते हैं। पहले इस फोटो को आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है IIT कानपुर एंड डिफेंस मिनिस्ट्री और DARPG, इन्होंने एक साइन किया है, टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक फॉर एनालाइजिंग पब्लिक ग्रीवियंस। पब्लिक ग्रीवियंस के लिए इसको एनालाइज किया है। अब आप यहाँ पर समझेंगे DARPG का फुल फॉर्म क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस, इसके साथ में इस MOU को साइन किया गया है। क्वेश्चन है, शिक्षा प्रौद्योगिकी फर्म बायजू का नाम आप सभी ने सुना होगा, बायजू ने स्टार्टअप कंपनी वाइट हैट जूनियर का कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर में अधिग्रहण कर लिया है? तो आंसर हो जाएगा 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर ने बायजू ने वाइट हैट जूनियर का अधिग्रहण कर लिया है। आपने फेसबुक पर या फिर टीवी पर इसका ऐड भी देखा होगा। ये जो कंपनी है वाइट हैट जूनियर, ये छोटे बच्चों को कोडिंग सिखाती है, ये इस नाम से आपने देखा होगा वाइट हैट जूनियर, ये छोटे बच्चों को कोडिंग सिखाती है और इसी कंपनी का 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बायजू कंपनी ने, ये इसका फोटो देख सकते हैं बायजू का, ने इसका अधिग्रहण कर लिया है। अगला प्रश्न बनेगा, कौन सी कंपनी IISc बेंगलोर में रोबोटिक्स लैब स्थापित करेगी? आंसर हो जाएगा नोकिया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नोकिया कंपनी IISc बेंगलोर में एक रोबोटिक्स लैब को स्थापित करेगी, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। IISc बेंगलुरु में नोकिया कंपनी जिस लैब को स्थापित करेगी उसका नाम होगा नोकिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसका नाम होगा। और ये 5G क्या, ये नोकिया क्या करेगा वहाँ पर, ये वहाँ पर लेटेस्ट उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ पर रिसर्च करेगा, जैसे कि 5G हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इन सभी चीज़ों को लेकर वहाँ पर रिसर्च करी जाएगी। क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे के वास्तविक समय की निगरानी के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए शुरू किए गए ऐप का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा OHE इंस्पेक्शन ऐप, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा OHE इंस्पेक्शन ऐप को हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे के वास्तविक समय की निगरानी के लिए शुरू किया गया है, तो OHE इंस्पेक्शन ऐप इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होगा, रेलवे के ऊपर ये जो OHE ओवरहेड लाइन होती है, इसमें अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आती है, तो कोई फॉल्ट आता है तो उसके बारे में इस ऐप में आपको जानकारी मिल जाएगी, जिसकी वजह से कोई ट्रेन कितना लेट हो रही है उसकी एक सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ये आपको अगस्त महीने का जो हमारा मंथली PDF नोट्स होता है उससे करवा रहा हूँ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो जनवरी से लेकर अगस्त तक के PDF के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखे हैं, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने अगस्त 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगा दी है? आंसर हो जाएगा 101 रक्षा उपकरणों पर रोक लगा दी गई। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में किस आइलैंड देश ने स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी घोषित कर दी है? तो आंसर हो जाएगा मॉरिशस। मॉरिशस एक आइलैंड कंट्री है, छोटा सा देश है, वहाँ पर अभी स्टेट ऑफ इमरजेंसी, एनवायरमेंटल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है प्रकृति को लेकर। हुआ क्या था कि मॉरिशस के पास से एक जहाज़ गुजर रहा था जिसमें कि ऑयल भरा हुआ था, वो वहाँ पर एक पहाड़ी से टकरा गया, जिसके बाद में हादसे के बाद में उससे ऑयल लीक होना शुरू हो गया। और ये आप देख सकते हैं मॉरिशस के आसपास पूरा ये एरिया जहाँ पर ये ऑयल फैल गया है, जिससे कि जितनी भी जलीय जो जीव जंतु होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट आने लगा। साथ ही साथ में मॉरिशस में भी लगभग 25 जून के आसपास में ऐसी इन्वायरमेंटल इमरजेंसी घोषित करनी पड़ गई। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं प्रविंद कुमार जगनूथ, उन्होंने इस आपातकाल की घोषणा करी है। तो आप देख सकते हैं ये ऑयल वहाँ पर इस तरीके से, और लोग यहाँ पर इस ऑयल को निकालते हुए भी आपको दिख रहे होंगे। मॉरिशस की बात करी जाए तो मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस, इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम है प्रविंद जगनूथ, और मॉरिशस
वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये इंडिया का मैप आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा इंडिया, ठीक है। इंडिया के नीचे इंडियन ओशियन में ये मॉरिशस देश आपको दिख रहा है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा, किस आईआईटी ने इंपीरियल कॉलेज लंदन के सहयोग से नैनो पार्टिकल, जिसका नाम है मेटा ग्रिड, विकसित किया है? तो आंसर हो जाएगा, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के सहयोग से आईआईटी गुवाहाटी ने मेटा ग्रिड नाम से नैनो पार्टिकल को विकसित किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।